ये रिश्ता क्या कहलाता है कि इस एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा। वेंटिलेटर के सहारे चल रहा था एक्ट्रेस का इलाज। एक्ट्रेस का कोविड-19 रिपोर्ट आया था पॉजिटिव। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने एक्ट्रेस के निधन पर जताया दुख। कुछ दिनों पहले हमने आपको ये जानकारी दी थी कि टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर कोविड की चपेट में आ गई हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्ट्रेस की हालत काफी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं अब देवोलीना भट्टाचार्य जी ने एक शॉकिंग खबर सभी से शेयर की और वो ये कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं रही। देवो ने दिव्या के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, जब कोई किसी के साथ नहीं होता तो बस तू ही होती थी। दीवू तू ही तो मेरी अपनी थी, जिससे मैं डांट सकती थी, रूठ सकती थी, दिल की बात कह सकती थी। आई नो लाइफ वॉज टू हार्ड ऑन यू, द पेन इज इंटॉलरेबल, बट आई नो टूडे यू मस्ट बी इन अ बेटर प्लेस एंड फ्री फ्रॉम ऑल सोरो पेन सैडनेस चीट लाइज। आई विल मिस यू देवू, एंड तू भी जानती थी आई लव्ड यू एंड केयर्ड फॉर यू। बड़ी तू ही थी पर बच्ची भी तू ही थी। गॉड ब्लेस योर सोल, जहाँ भी है तू अभी बस खुश रह। यू विल बी मिस्ड एंड रिमेम्बर्ड। आई लव यू @ दिव्या भटनागर ऑफिशियल, टू सून टू बी गॉन माई फ्रेंड, ओम शांति। आपको बता दें कि दिव्या ने पिछले साल ही शादी की थी और उनके पति का नाम गगन था। दिव्या की मां ने गगन पर यह आरोप लगाया था कि वो एक फ्रॉड है, जिसके बाद गगन ने सफाई देते हुए कहा था कि वो दिव्या को छोड़कर नहीं गए हैं, बल्कि काम के सिलसिले में उन्हें बाहर आना पड़ा। टेली मसाला की तरफ से दिव्या को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।